movie was fabulous and it is will be the best movie of Shankar. Awesome movie. बहुत अच्छी, बहुत शानदार मूवी थी. Fantabulous, mind blowing. Great movie, ultimate, marvelous, super, mind blowing. It's a huge blockbuster. अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी. Best movie थी, excellent थी, great थी. बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. काफी अच्छी थी. रजनी का अक्षय का awesome रोल. उन दोनों की मतलब एक्शन सीन्स काफी अच्छे थे. दोनों को ही देख के इतना मजा आया. अक्षय कुमार एंड रजनीकांत आर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड फिनोमिनल. दोनों का ही काम लाजवाब है. रजनीकांत की तो एज ऑब्वियस अच्छी एक्टिंग है, आउटस्टैंडिंग ही है. अक्षय कुमार का अलग रोल देखने मिला, नेगेटिव रोल. उन्होंने बहुत ही अच्छे से लाइक परफॉर्म किया, तो अच्छा लगा. रजनीकांत है, अक्षय कुमार है, एक सोशल मैसेज है, VFX है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट. द परफॉर्मेंसेस बाय अक्षय कुमार, बाय रजनीकांत, दे आर फैबुलस. अक्षय कुमार डिड द थिंग एंड यू नो एट टाइम्स व्हेन अ एक्टर लाइक अक्षय कुमार कम्स अगेंस्ट रजनीकांत, दे कैन एंड अप डूइंग अ लिटिल मोर एंड दे कैन गो हेवायर. बट आई थिंक अक्षय कुमार हैज बीन एबल टू डू लॉट ऑफ जस्टिस टू व्हाट एग्जैक्टली ही हैज बीन आस्क्ड टू डू. अक्षय कुमार ने बहुत टाइम बाद एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, तो किस तरह से, कितना इंप्रेसिव था? नेगेटिव था बट उसमें पॉजिटिव भी था ना, बर्ड्स के लिए, ये सब चीज़ के लिए. ऑसम. मोबाइल फोन के रेडिएशन से पक्षी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पक्षी राजन का होना बहुत ज़रूरी था इस फिल्म में. नॉट रियली ग्रे एक्चुअली. सेल फोन रेडिएशन से कैसे बर्ड्स मरते हैं उसके ऊपर यू नो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का उन्होंने रोल प्ले किया जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, हाउ बर्ड्स डाई बिकॉज ऑफ सेल फोन रेडिएशन. अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा रोल किया यार. अक्षय कुमार टोटली स्टोल द शो फॉर मी. आई मीन ही कम्स वेरी लेट इन द मूवी बट देन वंस ही इज देयर ही कम्प्लीटली नेल्स इट. हिज कैरेक्टर इज ब्यूटिफुली रिटन. काफ़ी अच्छा रोल किया उन्होंने, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी कन्फ्यूज ऑन हिज पार्ट, स्पेशली प्लॉट लाइन. तो बट ऑब्वियसली हिज परफॉर्मेंस एज एन एंटागनिस्ट वाज अमेजिंग. बहुत अच्छा, मतलब एवेंजर्स से अच्छा लगा मेरे को. VFX इफेक्ट्स और जो इस मूवी के एक्शन सीन्स हैं और 3D इफेक्ट्स हैं, वो ऐसी मूवी आज तक मुझे लगता है बनी नहीं है, इतनी अच्छी मूवी है. इट्स एट पार विद हॉलीवुड द VFX इफेक्ट्स. VFX का अच्छा यूज किया है, अच्छा लाइक हाँ अच्छी है. VFX का हम भी मस्त है. VFX भी मस्त इफेक्ट. आज मूवी फाड़ने वाली है. VFX was great. VFX has been able to do I think the maximum justice so far. Cost Robert or Robert 2. ये वो बच्चा थी इसके सामने जो इसमें जो दिखाया गया वो टू फर्स्ट पार्ट, तो मैं बच्चा लग रहा था इसके सामने. जैसे रोबोट आई थी उसमें रजनीकांत को तो सबने देख ही चुका है उस अवतार में, लेकिन जो अक्षय कुमार है उनको नया अवतार है जो कि उनके फैंस को बहुत ही अच्छा लगा. कंपैरिजन वाइज सी द स्केल ऑफ द फिल्म वाज ऑब्वियसली मोर बेटर एंड लार्जर देन द फर्स्ट पार्ट, लेकिन बात करें स्टोरी की तो आई थिंक वो यहाँ पे थोड़ी कम अच्छी थी. आई मीन इट इज नॉट अप टू द मार्क. मैंने रोबोट फर्स्ट पार्ट देखा था, अगर आप मुझसे मुझे कंपेयर करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी थी. कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 10 स्टार. 5 आउट ऑफ 10. 5 आउट ऑफ 5. आउट ऑफ 5 आई वुड लव टू गिव 4 स्टार्स. 4.5. 4.5. 5 आउट ऑफ 5. 5 आउट ऑफ 5. 5 में से 5. 5 on 5 फॉर मी. आउट ऑफ 5 स्टार. 3 स्टार्स आउट ऑफ 5. 3 आउट ऑफ 5.